हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और आपको बता दूं, करवा चौथ निपट गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और आपको पता है जैसे कि अब दिवाली आने वाली है, तो बस दिवाली के ही काम स्टार्ट हो चुके हैं हमारे। तो अभी हस्बैंड ने बाहर पुताई लगा दी है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है ब्लॉगिंग करने का। तो ब्लॉगिंग क्या, अब हमारा घर जो है बिल्कुल वाइट वॉश हो रहा है, और जब अभी तो पेंट पेंट चल रहा है, स्टार्ट हुआ है आज ही से। उसके बाद अब मेरी चलेगी सफाई, बाहर की सफाई कर रहे हैं पेंट वाले और अंदर की सफाई करूँगी मैं। तो अभी मेरा आधा काम तो हो चुका है, आधा काम माने आधे पर्दे धुले हैं अभी सिर्फ, और अभी मुझे अपने बाकी के रूम साफ़ करने हैं। तो अब यही चलेगा मेरा काम, और उसके बाद मैं क्या करूँगी आप लोग को बताऊँगी। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा कंटिन्यू, क्योंकि इसके बाद ना दिवाली तक काफ़ी अच्छा इन्जॉयमेंट रहेगा। इन्जॉयमेंट इसलिए रहेगा क्योंकि उसके बाद मैं दरवाजे लिखूंगी अपने, और मैं कैसे तरीके से लिखती हूँ आप लोग ज़रूर बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉगिंग में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, अभी चल रहा है हमारे घर में वाइट वॉश। पता है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो आपको दिखाती हूँ मैं अभी कितना काम हो चुका है। ये देखिए अभी पुट्टी हो चुकी है। यहाँ पर हस्बैंड अपने सामने थोड़ा काम करवा रहे हैं, और अभी सिर्फ थोड़ी सी पुट्टी हुई है, अब जाके हुई थी पुताई। तो आजकल देखिए रोलर चल गए, तो रोलर की हेल्प से बढ़िया तरीके से चल रहा है वाइट वॉश। द नेक्स्ट डे तो मैं आपको बता दूं, घर में चल रहा है थोड़ा वाइट वॉश का काम, और टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि दिवाली आने वाली है, और दिवाली आती है तो बस घर की पूरी सफाई होती है। तो आजकल मेरा यही काम चल रहा है, और देखिए हमारा पूरा का पूरा बाहर वाइट वॉश हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, ये हमारा घर हो चुका है पेंट, और अभी सिर्फ रह गया है इसका बॉर्डर होना, बस इसका बॉर्डर बन जाएगा और बाकी वाइट वॉश हो चुका है। ये देखिए, और अब मेरा काम बचा है बस। तो बाहर चल रहा है वाइट वॉश और अंदर चल रही है मेरी सफाई। तो अभी मैं आज कर रही हूँ अपनी बैठक कमरे की सफाई, और मैंने सारे के सारे आज जितने भी पर्दे हैं सब निकाल दिए, और बढ़िया तरीके से पंखे वंखे सब साफ़ कर रही हूँ। तभी मैंने सर में कपड़ा बांधा हुआ है, क्योंकि धूल काफ़ी घुस जाती है ना बालों में, तो गंदे हो जाते हैं, रफ जैसे हो जाते हैं। तो अभी मेरा यही काम चल रहा है, और अभी मुझे ये देखिए टैडी वगैरह भी वॉश करने हैं। ये टैडी ना मैंने खुद बनाया था, ट्विटी। तो ये ट्विटी ना मैंने खुद बनाया था शादी से पहले। और ये देखिए अभी मुझे सारे के सारे वॉश करने हैं। एक ये हो गया, और ये दो मॉन्की हो गए ये भी मैंने वॉश करने हैं। मॉन्की बिल्कुल सेम सेम कलर हो रखा मॉन्की और मेरा। ये देखिए अभी मैं भी बिल्कुल मॉन्की बनी हुई हूँ। तो आजकल यही चल रहा है, तो वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं हो पा रहा है। तो चलिए साफ़ सफाई कर लेते हैं घर की, उसके बाद आने वाले ब्लॉग्स होंगे इंटरेस्टिंग, क्योंकि आ रही है दीपावली, और हम क्या क्या करेंगे आप देखना। अभी जब मैं दरवाज़े लिखूंगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरीके से दरवाज़े लिखे हैं। तो चलिए कर लेते हैं अपना काम। कपड़े धुलने के लिए तो मैंने मशीन लगा रखी है, पर्दे वगैरह धुलने के लिए, क्योंकि पर्दे धोने हैं मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं मशीन लगा रखी है। तो मशीन में चलिए अब मैं पर्दे धोती हूँ, फटाफट सफाई करती हूँ। इस बार ना मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं वाइट वॉश के कारण रुकी हुई थी, क्योंकि वाइट वॉश होता है ना पुताई, तो पुताई में फिर से गंदे हो जाते पर्दे वगैरह, धूल बैठ जाती है। इसलिए मैंने सोचा था जब पुताई हो जाएगी उसके बाद ही मैं सफाई का काम स्टार्ट करूँगी। तो पुताई हो चुकी है और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना सफाई का काम। तो अभी तो सब फैला पड़ा है, अब मैं फटाफट से सारा काम करती हूँ। तो चलिए आपको मैंने अपडेट दे दिए कि मेरा क्या काम हो रहा है आजकल, इसीलिए मैं ब्लॉग्स वगैरह कम बना पा रही हूँ। तो अपना काम करते हैं। 2 hours later तो चल रहा है अभी काम, और मेरा काम क्या चल रहा है मैं आपको बताती हूँ। एक तरफ मेरा बन रहा है खाना, और
एक तरफ चल रही है आज, पर्दे वर्दे मैंने धो दिए, अब चल रही है मेरी फ्रिज की सफाई। वैसे तो थोड़ा बहुत होती रहती है, पर आज बिल्कुल डीप क्लीनिंग चल रही है, अंदर तक घुस के सफाई हो रही है। तो अभी मैंने सामान सब बाहर निकाल रखा है फ्रिज का, और अब कर रही हूँ मैं सफाई। तो सामान मैंने सारा खाली कर दिया है और फ्रिज साफ कर रही हूँ। तो अभी चल रही है फ्रिज की सफाई। जिस तरीके से ना हम अपने आप को, माने हमें अच्छा लगता है कि हम अच्छे से बन के रहें, उसी तरीके से हमको अपने घर को भी अच्छे से रखना चाहिए ना। तो बस मुझे तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने घर को जैसे मेरे को अच्छा लगता है कि मैं तैयार होके रहूँ या अच्छी लगूँ, उसी तरीके से हमको अपने घर को भी सुंदर रखना चाहिए। तो फ्रिज की एकदम डीप क्लीनिंग चल रही है आज। रह गया है सिर्फ ये, और इसे मैं धो देती हूँ। फ्रिज अंदर से तो साफ हो चुका है, अब मैं फटाफट से सब बाहर से भी साफ कर देती हूँ। तो आज काफ़ी काम का लोड पड़ गया था, अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तो सफाई हो चुकी है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ। आज हमारा ना बॉर्डर भी लग चुका है, जो वाइट वॉश हो रहा था बाहर, आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। गुड्डे धो के डाले हुए हैं, बॉर्डर दिखाते हैं अभी आपको। रेड कलर, दरवाजे और खिड़कियां भी हैं, अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं, धैर्य का ना स्कूल जो हो गया वो लेट का हो गया। तो सुबह धैर्य गया था, कितने बजे धैर्य? 8:15 बजे, 8:15 बजे गया था, और धैर्य अब आया है 3:30 बजे। तो अभी मैं धैर्य को खिला रही हूँ खाना, और धैर्य देखिए कितना थक गया है, थका नहीं हूं यार। और देखता है इसने पैर में कितनी ज्यादा चोट लगा ली है, देखिए यहाँ से इसने पूरा, यहाँ पे इसके ना नीला पड़ गया है। साइकिल से गिर गया था, और ये साइकिल से गिर गया था, और यहाँ पर फुटबॉल से, और यहाँ लगी है फुटबॉल से, लगी है यहाँ खेलते खेलते में पत्थर, ये पैर में लगी है, और उधर लगी है यहाँ घुटने में लगी है। तो आजकल इसके चोट खाने के ही काम हो रहे हैं। फ्रेंड यहाँ पर नील पड़ गया है, अभी मैंने लोशन लगा रखा, और धैर्य का टाइमिंग हो गया है लेट, और आज मेरे काम अभी सारे निपट चुके हैं। अभी सबसे मेन काम मेरा बच गया है, और वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी मैं क्या करने वाली हूँ। आज मैं करूँगी अपनी जो मेरी गमले हैं ना, उनका भी कलर हल्का सा फेड हो चुका है, तो मुझे उनको भी पेंट करना है। तो मेरा धैर्य बोला है मम्मी गमले पेंट करेंगे, पेंटर बेटा वो वैसे पेंट चाहिए, मत सोचना, मैं अपनी मम्मी से खाना करूँ। फ्रेंड्स मेरे पैर में ज़्यादा चोट लग गई, इसलिए मेरी मम्मी मेरे को खाना खिला रही है। उस दिन मेरे लग गई थी, आज बताए किसी बच्चे ने मेरे यहाँ पर मिल्टन की बोतल मार दी, और मेरा यहाँ पर थोड़ा और चल गया था। तो किसी बच्चे की ना मिल्टन की बोतल भी लग गई है इसकी, लग गई नहीं, मिल्टन की जो बोतल होती है ना वो लग, जानबूझ के मारी, तो लग गई उससे उसके दर्द और ज्यादा हो गया। सारे तो इसलिए मेरे को क्लास में एक चीज हो गई थी हंसने वाली, सब हंस रहे थे, मैं भी हंस गया, उनने मिल्टन की बोतल मार दी, बाद में बदला ले। तो अभी मैं इसको पहले खाना खिला देती हूँ, फिर मुझे बनानी है चाय, और उसके बाद मैं करूँगी बाकी सब्जी वब्जी की तैयारी, और उसके बाद मुझे करने हैं गमले पेंट। तो आजकल चल रही है फुल घर की सफाई, घर को सजाने में लगे पड़े हैं। तो चलिए आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, जब मैं
पेंट करूंगी गमले। तो स्टार्ट हो चुका है गमलों का काम, तो मैं गमले अभी पहले साफ कर रही हूँ पत्ती और रेख मार्क से। ये देखिए पुराना वाला पेंट छुड़ा रही हूँ और उसके बाद मैं नया वाला पेंट करूंगी इसमें। मैं वो कांगे जो पेंट कर रहे थे उनका काम हो गया, उनका काम हो गया, अब नहीं आएंगे वो, आएंगे। तो ये देखिए पुराना जितना भी पेंट है ना, ये देखो कैसे निकल रहा। तो अब मैं इनको एकदम नया करके आज पूरा मैं पेंटर बन चुकी हूँ। रेख मार्क मारूंगी बढ़िया करके और उसके बाद देखिए कैसे चमकेंगे ये गमले। अपना घर है, सजाना है। क्यों ना, मैं अभी करूँगा। अभी मैं पहले सफाई कर लूँ ना, फिर पेंट जब करोगे ना तब मुझे भी दोगे है? तब दो। ये अभी मुझे इसके लिए प्लांट भी लाना है। नॉन वालों में पेंट कर लूँ जब तक है? अरे अभी नहीं। ये देखिए कितना सारा दे निकल गया है सब। तो यही काम चल रहा है मेरा आज। तो शाम हो चुकी है और मैं बना रही हूँ अब खाना, और खाने में आज बन रहा है अंडा कड़ी। तो देखिए मैंने सारी तैयारी कर ली है, अंडे बॉईल करके रखे हुए हैं, मसाले सारे मैंने बना के रखे हुए हैं। ये देखिए लहसुन अदरक जीरा सब चीज़ का पेस्ट, और ये मैंने प्याज पीस के रखा हुआ है। हस्बैंड जी भी आ चुके हैं और वो देख रहे हैं पुताई वालों ने कैसा काम किया है आज, आपको दिखाती हूँ मैं अभी। ये देखिए चाय पी जा रही है और काम देख रहे हैं वो पुताई का, पुताई वालों ने सही किया है कि नहीं। नाइट में दिखाती हूँ, काफी सुंदर लग रहा है। मैंने लाइटें जलाई है ना, ये देखिए, तो ये हमारा घर एकदम लाइट मार रहा है बिल्कुल। और कल हमारा फाइनल हो जाएगा पेंट वेंट होके, और अच्छा लग रहा है ऐसे भी। और अभी बस दरवाजे रह गए हैं पेंट करने को, फिर मैं आपको कल दिखाऊंगी बाकी का। तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि थोड़ा बिज़ी चल रही थी, है ना, घर में काम होता है तो कई काम होते हैं, बिज़ी चलते हैं। और ये देखिए धैर्य आ चुके हैं हमारे खेल के। और देखिए नाइट में हमारा घर ना सुनना, तो ऐसे है। तो अब जाके लाइटें पूरी मस्त तरीके से चमक रही हैं, देखिए। कल आप सब भी अपने अपने घरों को सजाने में लगे होंगे, तो बस दीपावली त्यौहार ही ऐसा है कि खुशियों का त्यौहार है। अपने अपने फैमिली के साथ मनाइए, अपने घर की सफाई कीजिए, बस यही चल रहा है आजकल। तो अपडेट आपको मिलती रहेंगी आगे हम क्या क्या करते हैं। नहीं ऐसे भी अच्छा आ रखा है। तो अब हम काम देख के अंदर जा रहे हैं, अब बनाते हैं हम सब्जी। तो आज कल होगा हमारा फाइनल काम, तो चलिए अब हम सब्जी बना लेते हैं। तेल एकदम गर्म हो चुका है, बाकी सारा मैंने कर ही लिया है, अंडे वगैरह बॉईल कर रखे हैं। तो आज मैं बना रही हूँ अंडा कड़ी, तो सिंपल तरीके से बनाऊंगी, चलिए बना लेते हैं। और अभी टमाटर की ग्रेवी ना मैंने इसी में रख रखी है। अंडे कड़ी में ना मैं सबसे पहले अंडे फ्राई करती हूँ, उसके बाद बाकी की चीज़ें बंद करती हूँ। तो अंडा फ्राई करती हूँ पहले, तेल गर्म हो चुका है तो एक एक करके अंडा फ्राई कर लेते हैं।
तो अंडा कढ़ी के लिए मैंने अब सारे ही मसाले भून लिए हैं और ग्रेवी मेरी जो हो चुकी है वो तैयार हो चुकी है और बस मैं इसके बाद इसमें अंडे डाल दूंगी। और रात का टाइम है और धैर्य यहाँ पढ़ने बैठा है, तो आज के ब्लॉग को मैं भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। आप लोग को मैंने अपडेट दे दी है कि वाइट वॉश चल रहा है घर में, इसलिए थोड़ा सा बिजी हूँ, तो बस यही चलता रहेगा अभी। और फिर है दिवाली, तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।